हम इस वक्त सीहू में मौजूद है। यहाँ पर कैलाश चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी है उनकी यहाँ पर सीहू में सभा थी और काफी मात्रा में लोग है जो यहाँ पहुंचे थे। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ के सीहू के जो स्थानीय मुद्दे क्या है, जो विधायक है यहाँ से सीहू के रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने यहाँ पर अब तक क्या काम कर पाए है, क्या काम होने हैं और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है। क्या नाम है आपका? मुरलीधर। मुरलीधर जी, यहाँ क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? माहौल बिल्कुल मोदी जी का लग रहा है, सब मोदी जी का। बस यहाँ के सीहू के कुछ लौटे मिनक है वो क्या कर रहे हैं, क्या तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गरीब तबका पूरा मोदी जी के साथ है। जो गरीब है वो मोदी जी के साथ है। यहाँ क्योंकि उनको लाभ मिला है। क्या 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 लाभ मिला आपको? ये किसान कल्याण सम्मान निधि का, ये प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय और गैस कनेक्शन। तो लोग तो कहते हैं कि कैलाश चौधरी ने कोई काम नहीं करवाई। अरे लोगों के ये भड़काने वाले कह रहे हैं, वो कि आम लोग नहीं कह रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भड़केंगे नहीं लोग। बिल्कुल। तो यहाँ से विधायक है जो शिव से रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने अब तक आपके लिए क्या काम कुछ नहीं किया? कुछ काम नहीं, कुछ नहीं किया। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है जो सर्वप्रथम पहले काम होने चाहिए आपके? स्थानीय मुद्दे पानी का ही है, और पानी की ये योजना लाई है घर घर नल कनेक्शन की, ये चुनाव के बाद में हो जाएगा। आपको लगता है हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो तीसरा जो कैलाश चौधरी है, उन्होंने जो पहले पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ काम करवाए थे क्या, जो आप गिना सकते हो? ना, हम व्यक्तिगत काम नहीं, सार्वजनिक काम खूब हुए केंद्र की तरफ। व्यक्तिगत की हम चाह भी नहीं रखते, देश मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे, हमें तो राष्ट्र मजबूत चाहिए। उम्मीदवार बेनीवाल की को देखते हो, किस नजर से देखते हो, उनके लेकर आपकी क्या विचार? वो कुछ नहीं है उसमें, वो कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस ने 70 साल तक कुछ नहीं किया, तो उनको देने से कोई मतलब नहीं है वोट। आपका क्या नाम है? नरेंद्र। कौन सा काम? यही सीहू का, सीहू विधानसभा है। सीहू विधानसभा तो युवा हो, युवा काफी रविंद्र सिंह भाटी की तरफ है, फिर आपकी विचारधारा क्या है? हम भी पिछले चुनाव में रविंद्र सिंह के साथ थे, हमें उम्मीद थी कि 5 साल रविंद्र सिंह काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो काम करा के खुद को साबित करेंगे, फिर वो आगे जो भी चुनाव लड़े वो सही है, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। वो यहाँ सीहू छोड़कर भाग गए और वहाँ पर बाड़मेर में उन्होंने, मतलब पूरे बाड़मेर क्षेत्र में वो चुनाव लड़े। उन्होंने क्या खुद को यहाँ पर साबित नहीं किया? आप नहीं, नहीं साबित करने जैसा कोई काम नहीं करवाया। बीजेपी सही है, वो काम करवा रही है, मोदी जी काम करवा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। दो दिन से बहुत चेंज है, कैलाश चौधरी के पक्ष में आ गए, अदर कास्ट वगैरह सब। क्यों ऐसा क्या हुआ? ऐसा वीडियो आए थे, क्या मालूम क्या हुआ, दो दिन से माहौल बिल्कुल चेंज हो गया, सब मोदी जी के साथ में जोड़ रहे हैं लोग, सब भाजपा की तरफ, सब भाजपा की तरफ, दो दिनों से ही पूरा बिल्कुल दो दिनों से। यहाँ पर पानी की बात होती है, लेकिन पानी की बात में जो सबसे ज्यादा काम कराया मोदी जी ने कराया, बीजेपी ने कराया है। यहाँ पर यहाँ आस पास के सभी क्षेत्रों में 5-10 किलोमीटर अब आगे भी, मतलब ये पानी के कनेक्शन बढ़ रहे हैं, सबको मतलब पानी का कनेक्शन मिला है, इस बात में कोई दोहराय नहीं है। कांग्रेस सरकार में ये ऐसा कुछ नहीं था, और रोडें भी यहाँ पर अच्छी बनी है, ये मोदी जी की राज बनी है, और काम पार्टी कराएगी, निर्दलीय काम नहीं करा सकती, ये सच्चाई है। नहीं, लोगों का कहना है कि अभी तो 3 महीने हुए विधानसभा चुनाव हुए, तो क्या लोगों का कहना है कि बाकी नेता तो पहुंच नहीं रहे थे, कम से कम ये पहुंचा तो बात नहीं। सीहू में बावी सेटपंप आए, बी स्वरूप सिंह के नाम पे, 2 रविंद्र सिंह के नाम पे आए, अब उनके नाम पर सीहू को तो 22 सेटपंप मिले है ना, इस बात में कोई दोहराय नहीं है ना। तो एक नेता आवेश में आकर चुनाव लड़ता है तो वो कितना काम करा सकता है, मुझे नहीं लगता है। क्या नाम है सर? प्रेमाराम जी। कौन सा गाँव? गोंगा गाँव। गोंगा विधानसभा में आता है। तो आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किन प्रत्याशियों के बीच में टक्कर रही? हमसे ज्यादा आप फील्ड में घूमते हो, जनता की क्या 1952 से जनसंघ ही और एक ही विचारधारा के, हम तो मोदी जी को मानते हैं और मोदी जी की राय पे चलते हैं, और जनता भी चल रही है, विकास तो अब देखो के रोटी तो खिला हाथ तो जीवनी पड़ेगा, बाकी वो युवा है वो भी मेहनत कर रहे, बाकी सरकार तो मोदी जी की बढ़ रही है। तो काफी युवा है वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ जा रहे हैं, उन युवा को ये बच्चे हैं, उनकी सोच अलग है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से निकले हुए ये बुजुर्ग है, जो सदियों से उन्होंने देखिए छोटा की खाया उम्र तकलीफ हुआ देखे हुआ युवा तो देखे वो, अब आज तो आदान अनुदान पैसे वगैरह सब माँ बाप बच्चे नहीं दे रहे, वो सरकार दे रही है, तो ये तो उनकी सोच है, आपकी सोच है, हमें क्या देखना। वही जो दिल्ली रविंद्र सिंह भाटी, उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने 10 साल किया, तो एक स्थानीय मुद्दा है पानी का, वो निपटा नहीं पाए है, पानी नहीं वो, वो सरकार की हट धर्मिता होती है, पार्टियों के किस्से होते है, वोट दिए नहीं दिए, सासू और बहू होती वो भी लड़ती है, देरानी और जेठानी वो भी लड़ती है, तो एक पहले आ गई, उसने काम नहीं किया, उसने आटा नहीं पीसा,
उसने रोटी नहीं बनाई, ये सारा काम मैं कर रही हूँ, तो करके दिखाओ ना, पहले भरपेट भोजन खिलाओ, इसके बाद में तो सब होगा। और वो आए तो वो भी अपने देश की तो है, बाहर के तो नहीं है, वो तो अब पब्लिक को निर्णय करना। तो क्या लगता है कोई भी अगर सांसद बने सबसे पहले आप इसी विधानसभा के लिए क्या काम होना चाहिए? क्या होना चाहिए, हम तो 1952 की बात करते हैं, PSC गूंगा में थी और मिडिल स्कूल ही गूंगा में थी, शिक्षा का क्षेत्र था वो, आज गांव पिछड़ गया है, लोगों को पीने का पानी नहीं। अब उसके लिए तो आप और युवा सरकार को आगे लिखो कि क्या होना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ से जो कैलाश चौधरी ही विजय होगी, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है वो भी BJP की है और डबल इंजन सरकार है वह भी BJP है, यहाँ युवा है वह थोड़ा बरगला गए हैं, युवा है जो रविंद्र सिंह की तरफ चले गए, परंतु बुजुर्गों का कहना है हम है जो ओनली फॉर कैलाश चौधरी के साथ है। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द कटक से, मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।